हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेबीज जंक्शन। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी एक 19 महीने की बहुत ही क्यूट सी डॉटर है जिसका नाम है अनिका। एंड आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स अभी तक कन्फ्यूज़ रहते हैं, वो है बेबीज वैक्सीनेशंस और शिशु का टीकाकरण। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि शिशु का टीकाकरण से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी जानकारियां आपको मैं दे देती हूँ, जैसा कि मुझे मेरे डॉक्टर ने दिया था। एक्चुअली जब हमारी अनिका हुई थी तो हमें एक डॉक्टर ने तुरंत एक हमारा वैक्सीनेशन चार्ट दे दिया था, जो कि हमें टाइम टू टाइम अपने बेबी को करवाना है। एक्चुअली बेबीज़ वैक्सीनेशंस का एक टाइम होता है, वो हर टाइम नहीं हो सकते, उनका एक एग्जैक्टली टाइम होता है और उसी टाइम पे हमें वही एग्जैक्टली प्रिस्क्राइब्ड वैक्सीनेशंस कराना पड़ता है, जो कि हमें एक चार्ट मेंटेन करना होता है। अगर आपके पास चार्ट नहीं है तो आप अपने डॉक्टर्स के पास जाइए और आज ही उनसे बेबीज़ वैक्सीनेशंस का चार्ट लीजिए। डिपेंड करता है कि आपका बेबी कितने एज का है, तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको चार्ट समझाएंगे और रिकमेंड करेंगे। ओके, जैसे कि चार्ट होता है, ये आपको शायद ये पूरा नहीं दिख रहा होगा, बट एग्जैक्टली सो दिस इज़ द चार्ट। ओके सो मैं ये नहीं कह रही कि इसमें जितने भी वैक्सीनेशन हैं वो सभी रिकमेंडेड हैं एंड वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें कुछ ऑप्शनल वैक्सीनेशन भी हैं, जो डिपेंड करता है कि किस टाइप से आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ मैंडेटरी वैक्सीनेशन हैं जो आपको करवाने ही करवाने, और कुछ ऑप्शनल वैक्सीनेशन हैं। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब ऑप्शनल वैक्सीनेशन और मैंडेटरी वैक्सीनेशन में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली मैंडेटरी वैक्सीनेशन हैं जो बेबी को लगने ही लगने होते हैं, और कुछ ऑप्शनल वैक्सीनेशन होते हैं जो कि डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर आपको क्या रिकमेंड करते हैं। और आजकल इतनी तरीके की बीमारियाँ चल रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे साइंस में कुछ नए वैक्सीनेशंस रिसर्च किए हैं जो कि बेबीज़ को लगाने चाहिए। डिपेंड करता है कि आपके आसपास किस टाइप की बीमारियां हैं, आप जिस एरिया में रह रहे हो, आप जिस कंट्री में रह रहे हो, उस टाइप का वैक्सीनेशन चार्ट आपको क्या रिकमेंड करता है। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको एक चार्ट मेंटेन करना है। अगर आपके पास चार्ट नहीं है तो अपने डॉक्टर से ले सकते हो, और डॉक्टर भी आपको चार्ट नहीं दे पा रहे तो आप खुद से एक नोटबुक लेके चार्ट राइट डाउन कर सकते हो, एज़ पर द वैक्सीनेशन नेम, अकॉर्डिंग टू द बेबीज एज, और किस टाइम पे कौन सी वैक्सीनेशन लगनी है। और जब भी आपकी वैक्सीनेशन लगती जाएँ तो एक रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा जिसमें डॉक्टर्स आपको डेट मेंशन करेंगे कौन सी वैक्सीनेशन लगी है, कौन से टाइम पर लगी है। ये वैक्सीनेशन चार्ट आपको इस चीज़ का एक रिकॉर्ड मेंटेन करवाता है। ओके, तो ये तो रही वैक्सीनेशन लगने के टाइम की बातें, कौन कौन सी वैक्सीनेशन कब कब लगनी है और किस चीज़ के अकॉर्डिंग लगनी है। ओके, लेकिन वैक्सीनेशन जब हमारे बेबी को लग जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि हमारे बेबी के साथ क्या ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन के बाद उसकी तबीयत ख़राब होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, बेबी को बुखार आना, बेबी को पेन होना, ये सारी वैक्सीनेशन के बाद कुछ कॉमन इश्यूज़ हैं जो कि हर पेरेंट्स को, हर बेबी को फेस करनी पड़ती हैं। डॉक्टर्स आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आपकी वैक्सीनेशन जो लग गई है बेबी को बुखार आना ही आना है, या फिर वैक्सीनेशन लगी नहीं है, लगने वाली है। वैक्सीनेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रोल होता है कि आप जब आपके बेबी को वैक्सीनेशन लग गई है, ओके, तो बॉडी में जब कोई भी केमिकल जाएगा या कोई भी एंटीबायोटिक्स जाएंगी, जो भी वैक्सीनेशंस है, तो उसका कुछ रिएक्शन होगा, तो बेबी को फीवर आना है, उस जगह थोड़ा पेन भी होगा। तो इससे आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल थिंग इज़ दैट कि अगर आपके बेबी को उस जगह बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, अगर उस जगह ज़्यादा स्वेलिंग है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक थिक कपड़ा लेना है और थोड़ी सी आइस लेनी है, उस कपड़े में डाल के बस बेबी को हल्का हल्का सा आइस प्रेस जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा सा सेकना जिसको बोलते हैं, वो करना है। और सेकंड थिंग इज़ डैट कि अगर आपके बेबी को फीवर आता है तो डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं, अगर 100 से ज़्यादा फीवर है, इन केस ऑफ 100 से ज़्यादा फीवर, तो हमारे डॉक्टर ने जो हमें रिकमेंड किया था वो था एक बेबी क्रोसिन आती है, वो अकॉर्डिंग टू एज आपके डॉक्टर जैसे आपको प्रिस्क्राइब करें बेबी को उसी अकॉर्डिंग देनी है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को जो पेन फील होता है या डिस्कम्फर्ट होता है, बच्चे किसी भी तरीके से वैक्सीनेशन के बाद चाहे फीवर लगता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए, बच्चा थोड़ा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा रेस्ट कर पाए, तो उसके लिए वो आप बेबी क्रोसिन आप उसको दे सकते हैं। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, डॉक्टर आपको जो भी रिकमेंड करें आप वो दे सकते हैं। हमारे डॉक्टर ने हमको बेबी क्रोसिन रिकमेंड किया था तो हमने वो दिया था। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि
आजकल दो टाइप के वैक्सीनेशंस को बोला जाता है, एक होता है पेनफुल, एक होता है पेनलेस। तो कोई भी साइंस ये नहीं कहती कि पेनलेस वैक्सीनेशन में आपके बेबी को कुछ नहीं होगा, लाइक बुखार आना, पेन भी नहीं होगा, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है पेनलेस से। पेनलेस और पेनफुल में सिर्फ दो मेजर डिफरेंसेस हैं, मैं आपको बता देती हूँ दो मेजर डिफरेंसेस। वो भी डिपेंड करता है कि आप मतलब आपका बेबी उसको किस टाइप से अडेप्ट करता है। पहला डिफरेंस तो बेबी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, पहला डिफरेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल डिफरेंस। लाइक पेनफुल वैक्सीन और पेनलेस वैक्सीनेशन में दो डिफरेंस है कि आपको पहले पेनफुल जो होती है वो थोड़ी सी कम एक्सपेंसिव होती है, जबकि पेनलेस होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। लाइक 100 रुपये की आपकी, हंड्रेड रुपये की आपकी पेनफुल वैक्सीनेशन है तो पेनलेस आपकी 1000 की भी हो सकती है, 500 की भी हो सकती है, इट डिपेंड्स कि वो कौन सी वैक्सीनेशन है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट एक और डिफरेंस है कि अगर आपको पेनफुल वैक्सीन लगा रही है, लाइक तीन बीमारियों की बेबी को वैक्सीन लगनी है तो तीन बीमारियों के तीन इंजेक्शन लगनी है इन पेनफुल, बट इन पेनलेस वो सारी चीज़ों को, सारी तीनों दवाइयों को कंबाइन करके एक सिंगल वैक्सीन बनाई जाती है जो बेबी को बस एक ही बार में लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको पेन नहीं होगा, वो सिर्फ ये है कि उसको तीन के बदले एक वैक्सीनेशन दी गई है। ओके, तो पहला डिफरेंस सबसे मेजर डिफरेंस है और ये आपके ऊपर है कि आप फाइनेंशियली पेनलेस प्रेफर करते हो या पेनफुल प्रेफर करते हो। हमारे केस में ये था कि हमने एक बार अनिका को पेनलेस प्रेफर किया था और बाकी टाइम हमने पेनफुल प्रेफर किया था, तो वी आर ओके विद दिस। ओके, एंड बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बस यही है कि आप अपने बेबी के लिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर उसको फीवर हो, 100 से ऊपर फीवर हो, तो डॉक्टर जो भी आपको दवा रिकमेंड करें आप बेबी को दे सकते हैं, वो दवा 6 घंटे के बाद आप रिपीट कर सकते हैं। अगर फिर भी बच्चे का बुखार नहीं उतरा तो आप डॉक्टर से तुरंत की तुरंत कंसल्ट कीजिए, इसमें अपना दिमाग बिल्कुल भी ना लगाएं। सेकेंड थिंग इज डैट कि अगर बच्चा थोड़ा सा पेन में है तो उसको आइस प्रेस दीजिए। थर्ड थिंग इज दैट कि अगर उसको उस जगह बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप उस पार्ट को टच ना करें, ना ही मसाज करें, और कोशिश करें कि उस दिन उसको बाथ भी ना दें, जिससे कि वो थोड़ा सा कंफर्ट रहे और उस जगह उसको थोड़ा लूज कपड़े पहनाएं, सो दैट मतलब उसको इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो। हमें भी जान लो कि अगर हमें कहीं पे चोट लगती है या फिर हमें कहीं पे इंजेक्शन लगता है, अगर पेन होता है, तो हम भी थोड़ा कंफर्ट या लूज कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं। बेबीज़ के साथ भी ऐसा ही है, बाकी छोटे बच्चे होते हैं हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप उनको एंगेज करें अलग अलग एक्टिविटीज़ में जिससे कि उनका माइंड डाइवर्ट हो। तो छोटे बच्चे हैं, खेलते कूदते ऐसे ही 2 या 3 दिन कट जाएंगे। और एक और ज़रूरी बात है कि ऐसा कभी भी मत सोचिएगा कि जिस दिन वैक्सीनेशन लगी है सारी प्रॉब्लम उसी दिन ही शुरू होगी, लाइक पेन या फिर फीवर। वैक्सीनेशन लगने के 48 आवर्स के बाद भी बच्चे को फीवर आ सकता है, तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि अगर आपके बच्चे को फीवर आ रहा है दैट मीन्स आपकी वैक्सीनेशन ने कुछ रिएक्शन किया है, बॉडी में कुछ हुआ है, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। और इसी टाइप से बस इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद मैं वीडियो को एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आई होंगी और थोड़ा सा आपके बेबी के साथ आपको डील करने में आसानी होगी। थैंक यू। और अगर आपको ये चैनल पसंद आए, वीडियो कुछ सही लगे, कुछ मेरी बेटी की भी वीडियोज़ डल रही हैं, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे या आपको 1 मिनट भी उनको देख के खुशी मिले, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।